हेलो एवरीवन, एक इशू है जो कि लगभग आप सब लोग को आज तक तो सभी को पता होगा और नथिंग इज़ न्यू, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि यस वी आर वर्किंग फॉर वुमेन सो गुड एंड वर्किंग सो हार्ड एंड दैट इज़ नीड ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि जिनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो ऑब्वियसली तो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई यू नो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर लॉ, इंडियन लॉ, सो दैट इज़ फेवर ऑफ इन वुमेन, और होना भी चाहिए जिनके साथ इतना बुरा हुआ है। बट न्यू वर्टिकल इज़ कमिंग अप, दैट इज़ क्राइम अगेंस्ट मैन, जहाँ पे मर्दों का दर्द जो है यू नो दैट वी आर शेयरिंग एंड वी आर लिसनिंग द नंबर ऑफ केसेस इन पैन इंडिया। सो यू नो बात तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा वन ऑफ द प्रोमिनेंट एडवोकेट नीलू वर्मा, एज पर हर कंसेंट, एक्चुअली आई एम जस्ट टेकिंग हर नेम बिकॉज आई वॉज अलाउड टू टेक हर नेम, कि वी डोंट हैव एक्चुअली वर्ड एंड यू नो द पर्टिकुलर की वर्ड्स वेयर एन वी से दैट प्रोस्टिट्यूशन। सो दिस इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। जनरली पहले क्या होता था कि तथाकथित, मुझे अन्यथा मत लीजिएगा, तथाकथित नीची जाति के जो लोग होते थे, तो ये नीची ऊँची जाति हम लोगों ने ही बनाई है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि देयर शुड बी नंबर ऑफ फीमेल पर्सनेस इन द फैमिली, सो यू नो सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल कैन यू नो हैव फन एंड यू नो कि वो क्या कहते हैं उनके साथ कुछ भी अनवांटेड चीज़ें कर सकते थे और वेयर इन दे यूज टू पे सम मनी एंड ऑल। आज का क्या पैटर्न है एक्चुअली, इसे न्यू फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। पहले तो क्या होता था कि ठीक है हम शरीर का पैसा लेते थे, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, यू नो इस काइंड ऑफ सर्विस राइट व्हाट वी डू इन द आईटी वर्ल्ड एंड इन एनी सेक्टर वी आर द सर्विस प्रोवाइडर, हम अपनी सर्विसेज देते हैं उसके से चार्जेस करते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट बॉडी एक्चुअली, कई कंट्रीज़ में इसे लीगल, बस इंडिया इन इंडिया इज़ नॉट लीगल। तो ठीक है, एक मेच्योरिटी लेवल पे आते हैं तो ठीक है, अगर मान लीजिए आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जहाँ पे यू नो यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इरेस्पेक्टिव ऑफ यू नो योर वर्टिकल, बीट बॉडी और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, तो उसके हम चार्जेस करते हैं। अभी क्या एक पैटर्न है, जैसा कि एडवोकेट नीलू ने भी बोला था, ठीक है, और उन्होंने बोला था यू नो इट इज बिटवीन अवर कंसर्न एक्चुअली कि वी कैन टेक हर नेम, कि अभी क्या होता है कि आप शादी करिए किसी बंदे से, उसका बैकग्राउंड जान के कि कितने कैपेबल हैं, कितनी असेट्स हैं उनके पास, क्या प्रॉपर्टी है, कितना पैसा वो दे सकते हैं, और यू नो कितनी चीज़ें हैं उनके पास। लोग शादी करते हैं और फ्यू विद इन फ्यू मंथ और यू नो डाउन ऑफ फ्यू ईयर्स दे गेट डिवोर्स, और उसके बाद एक जो हमारे पास लॉ है वुमेंस के लिए कि हम उनकी बात करें जो कि इस लॉ को डिसऑनेस्टली यूज़ कर रही हैं, बाकी जो ऑनेस्टली यूज़ कर रही हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही जिनको सच में उनके अधिकार की ज़रूरत है, उनका सहयोग करना चाहिए। तो आजकल ये होता है कि शादी कर लीजिए, उसके बाद कुछ दिन रहिए, सारी चीज़ जान लीजिए, उसके बाद एक कोट करिए कि कितना पैसा हमको चाहिए तुमको लीगली डिवोर्स देने के लिए, एंड दैट इज़ आउट ऑफ कोर्ट, दे आर नंबर ऑफ केसेज एक्चुअली जो कि आउट ऑफ कोर्ट हो रहे हैं, जहाँ पे एज पर सो कॉल देयर कैपेबिलिटी यू नो दे आस्क नंबर ऑफ मनी लाइक इन लाख करोड़, ठीक है। तो पहले क्या होता था, हम शरीर का पैसा लेते थे, अभी क्या होता है कि हम लोग भावनाओं का पैसा लेते हैं, फीलिंग्स का पैसा लेते हैं। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो प्लीज़ सर्च इट, गूगल इट, देयर नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे पुरुषों से इसके पैसे लिए जाते हैं, और टू आई एम बीइंग अशेम्ड एक्चुअली टू से इट कि इन फ्रंट ऑफ पुलिस पर्सनल, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट एंड दैट इज़ आउट ऑफ पेपर्स, वो पूछते हैं कि कितना दे सकते हो कितना दे सकते हो, वो कोट करते हैं कुछ लैक्स का लाइक 20, 50, यू नो 60, एंड दैट इज हैश टैग इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ 14 लैक्स 30,000, आप उसमें कितना दे सकते हो।
फिर उसका निगोशिएशन होता है कि ठीक है हम इतना दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे तो हम, अगर अगर हम नहीं देते हैं तो वो लोग कोर्ट में जाएंगे, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जो बंदा है बंदी वर्किंग है, सो उनके लिए शायद कोर्ट में जाना और कई सालों तक तो केस लड़ना इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ये है कि ये तो सारे काम छोड़ के आप कोर्ट में केस लड़ते रहिए, एंड आई नो एंड यू नो कि फैमिली कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे हैं, यो फैमिली ये डाइवोर्स एंड ऑल, तो उसमें कितने सालों साल लग जाते हैं, दोनों पार्टी से पैसे खर्च होते हैं। एंड ऑफ द डे यू नो एज पर आई पर्सनली आई एम सेइंग यू नो बायस लॉ, लड़कों को एंड ऑफ द डे कुछ देना होता है। और आज की डेट में अगर कोई बंदा है उनके पास सब कुछ है, उसका झूठा एलिगेशन होता है कि इतना पैसा हमने दिया उतना दिया, और विदाउट एनी प्रूफ, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन एंड यू नो प्रूव लाइक यू नो इनवॉइसेस ऑफ ज्वेलरी और जो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, कोट एंड कोट एक्चुअली लॉकडाउन में जिनकी शादियाँ हुई थी, इतना पैसा अगर किसी लड़की वाले ने किसी को दिया है एंड स्टेटिंग प्लीज माइंड इट कि हमने दहेज दिया है, बड़ी बेशर्मी से दहेज दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर दहेज दिया है जो सामने वाले बंदा बोले दहेज लिया नहीं है, और वो खुला बोल रहे हैं दहेज दिया है लिख के बोल रहे हैं, तो गलती किसकी है? तो शायद तो पहले तो उनको जेल होना चाहिए या यू नो उनके ऊपर कुछ केसेस होने चाहिए। बट एनीवेज आई मीन एनीवे एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो जो एक सीन है यू नो फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, कि पहले स्वेच्छा से लोग अपने इसको बिजनेस मानते थे कुछ पैसों के लिए, यू नो फिज़िकल सर्विस प्रोवाइडर, नाउ इस इमोशनल सर्विस प्रोवाइडर, कि हमारा रेट ये है और हम इतने में क्या कहते हैं आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाएंगे और उसके बाद सारा केस आउट ऑफ कोर्ट फिनिश हो जाएगा। तो सोचने की बात है कि मतलब हम शादी जैसे इंस्टीट्यूशन बिलीव क्यों करते हैं? शादी के पहले सात फेरे और यू नो दे आर नंबर ऑफ रिचुअल्स हैपनिंग। शादी के बाद क्या होता है? एक स्टैम्प पेपर में दो लोगों का साइन चाहिए होता है, एंड बियॉन्ड द पेपर्स कुछ पैसे देने होते हैं लड़के वालों को, यू नो बिकॉज दे डोंट हैव एनी लॉ। खैर देने होते हैं, लोग दे भी रहे हैं, जिन्होंने लिए होते हैं वो तो ऑब्वियसली दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं भी लिए होते हैं उनको भी देना पड़ता है। हमें सोचना चाहिए मतलब दिस इज़ नेवर एंडिंग फाइट, तो कुछ तो करिए। हाँ फ्रॉम माई एंड ऑब्वियसली आप कहेंगे कि मुझसे बोल रहे कुछ तो करिए, यस आई एम डूइंग एंड आई राइट समथिंग अबाउट दिस एंड मेक पीपल अवेयर, और देखते हैं क्या होता है। बट थिंक इट्स ए न्यू काइंड ऑफ बिजनेस, मैरिज बिजनेस। अर्लियर वी यूज टू से प्रोस्टिट्यूशन, एंड इन माई पर्सनली आई रिस्पेक्ट दैट प्रोस्टिट्यूशन, बिकॉज इन दैट बिजनेस देयर वर ऑनेस्टी, बट इन दिस बिजनेस वेयर यू आर सेलिंग योर फीलिंग्स दैट इज वेरी डिसऑनेस्ट। दिस इज निगोशिएशन, दिस इज शेयर बिजनेस। कॉर्पोरेट बदनाम होता है ना प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑल अबाउट वेलफेयर, बट देयर इज इन थर्ड एक्सेस ऑफ फीलिंग प्रोस्टिट्यूशन। अच्छा बंदा देखो शादी करो, कुछ दिमाग छोड़ दो और मन चाहे डिमांड क्या हो, थिंक अबाउट इट। न्यू फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन दैट इज फ्रॉम बॉडी टू इमोशनल प्रोस्टिट्यूशन, थिंक अबाउट इट।